ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न वनडे जीतकर टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। जी आपको बता दें कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 70 सालों में पहली बार बायलैटरल ओडीआई सीरीज जीती है। जी हाँ, इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2008 में हम ट्राई सीरीज जीते थे, कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज थी वो, लेकिन पहली बार ऑस्ट्रेलिया से आमने सामने में हम ओडीआई सीरीज जीते हैं। और इसी के साथ विराट कोहली सबसे बड़े भारतीय कप्तान बन गए हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर दोनों ही फॉर्मेट में बुरी तरह से रौंदा है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर भारतीय टीम ने इतिहास तो रचा ही है, साथ ही महेंद्र सिंह धोनी को इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। 3 मैचों में 193 रन उन्होंने बनाए और एक अनबीटन 87 रनों की पारी उन्होंने आखिरी वनडे मैच में खेली। जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी पर लगातार सवाल उठ रहे थे, अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है यहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने, और कहीं ना कहीं भारतीय टीम की जीत के सूरमा भी बने, सूत्रधार भी बने, और भारत को जो बेस्ट फिनिशर की कमी खल रही थी उस फिनिशर को बहुत ज्यादा मिस किया है। महेंद्र सिंह धोनी को भी मिस किया गया था, लेकिन अब धोनी की शानदार पारी ने दिखा दिया है कि भारत में क्या दम है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।